नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 26वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से सी को समझ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट इसको देख के और सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिकर्सिव फंक्शन, एरे और स्ट्रिंग, पॉइंटर्स, इन सब बड़े बड़े टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को शुरू से एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से आप पूरा देखें, जिससे कि सी लैंग्वेज आपको सरलता से समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉइंटर एंड एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पॉइंटर और जो एरे है, इन दोनों को आपस में एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ये दो तरीके हैं, पॉइंटर टू एंड एरे और उसके साथ साथ में एरे ऑफ पॉइंटर्स के रूप में। फिर पॉइंटर एंड फंक्शन को भी हम साथ में यूज में ले सकते हैं, यानी पॉइंटर और फंक्शन इन दोनों एलिमेंट्स को भी साथ में यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को साथ में यूज करने के क्या तरीके हैं, वो भी दो दो तरीके हैं, पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट और पॉइंटर टू ए फंक्शन। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं या समझते हैं कि पॉइंटर और एरे इन दोनों को आपस में कैसे यूज कर सकते हैं, एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो पॉइंटर की हेल्प से एरे एलिमेंट्स को सरलता पूर्वक हैंडल किया जा सकता है। पॉइंटर और एरे दो प्रकार से एक साथ यूज किए जा सकते हैं। पहला तरीका क्या बताया हुआ है कि पॉइंटर टू एन एरे, यानी कि जो एरे है, एरे के एलिमेंट्स को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर हम यूज करेंगे। दूसरा तरीका क्या बताया हुआ है कि एरे ऑफ पॉइंटर, यानी कि एक ऐसा एरे जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, पॉइंटर हैं। तो इस तरीके से हम पॉइंटर और एरे को ये दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। आगे इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताया है कि पॉइंटर टू एन एरे, यानी एक ऐसा पॉइंटर जो एरे के एलिमेंट्स को पॉइंट करता है या एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि एरे के शुरुआती एड्रेस को बेस एड्रेस कहा जाता है। पॉइंटर में एरे का एड्रेस असाइन करने पर उसमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब हमने पॉइंटर डिक्लेरेशन और पॉइंटर इनिशियलाइजेशन पढ़ा था, तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन के दौरान ये सारी बात मैंने आपको बताई थी। पॉइंटर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर एरे की एड्रेस लोकेशन चेंज होती है। इस प्रकार एक पॉइंटर एरे के सभी एलिमेंट्स को पॉइंट कर सकता है, यानी एक पॉइंटर जो है एरे में जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो 50 एलिमेंट्स का एरे है, चाहे वो 100 एलिमेंट्स का एरे है, चाहे वो 2 एलिमेंट्स का एरे है, चाहे वो 1000 एलिमेंट्स का एरे है, एक पॉइंटर उन सभी एलिमेंट्स को पॉइंट कर सकता है। अब इस चीज को हम और डिटेल में समझने के लिए प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से अपने इसको समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया ए, और इसका नाम क्या है ए, और साइज कितना है 10। हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया पी और एक सिंपल वेरिएबल लिया आई। तो ये सारे वेरिएबल्स हमने लिए। हमने और प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट करवाया इनपुट वैल्यूज, और लूप लगाया आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, और स्कैनफ की हेल्प से एरे के एलिमेंट्स को रीड कर लिया। अब देखो ध्यान से,
एरे के एलिमेंट्स रीड हो गए और मैंने अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। a क्या था, a अपना एक एरे है और एरे के एड्रेस को p में यानी कि पॉइंटर में स्टोर करवा दिया, यानी पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहां मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को लगाया है। यदि हम एरे के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, और यदि हम एरे के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाते हैं तो भी वो सही है। तो इससे इस लाइन से क्या इफेक्ट हो रहा है, इस लाइन से ये इफेक्ट हो रहा है कि जो अपना एरे है ए, उसका जो बेस एड्रेस है यानी शुरुआती जो एड्रेस है वो कहाँ चला जाएगा, पॉइंटर पी में चला जाएगा। अब इसके बाद में अगली लाइन में हमने लिखा डिटेल्स गिवन बिलो, फिर हमने एक और प्रिंट एफ लिखा, उस प्रिंट एफ के अंदर देखो ध्यान से हमने क्या लिखा, पहले पोजीशन, फिर स्लैश टी का यूज करके वैल्यू, फिर स्लैश टी का यूज करके एड्रेस, फिर हमने एक लूप लगाया आई वर्सेस जीरो, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, और फिर से हमने क्या किया प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में देखो अपने कई सारी वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, तो इस प्रिंट एफ को बहुत ही ध्यान से समझना है। मैं आपको एक एक अक्षर के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले अपन ने ये परसेंट डी लिखा है, ये जो परसेंट डी है ये किसके लिए है, ये है आई प्लस वन के लिए, यानी ये काउंटिंग हम प्रिंट करवाएंगे उस काउंटिंग के लिए है। फिर हमने ये दूसरा परसेंट डी लिखा है, ये जो दूसरा परसेंट डी है ये किसके लिए है, ये है पॉइंटर पी के लिए। अब ये ध्यान से सुनो और समझो, पॉइंटर पी का मतलब क्या है, इसको अपने क्या बोलते हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो अपना एरे है, एरे की जो भी पोजीशन है उस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है उस वैल्यू को ये पी पॉइंट कर रहा है। और फिर उसके बाद में अपन ने देखो ध्यान से क्या लिखा है, यहां पर हमने लिखा है परसेंट यू, परसेंट यू किस लिए काम में आता है, ये आता है अनसाइंड इंटीजर के लिए। परसेंट यू का प्रयोग किस लिए होता है, अनसाइंड इंटीजर के लिए। और ये यहां पे हमने क्यों लिखा है, आगे देखो ये जो अपन ने पी लिखा है पी, इसके लिए अपन ने परसेंट यू को भी परसेंट यू कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज किया है। अब इसका क्या कारण है वो आपको बताता हूं कि ये जो पी है, पी क्या बताएगा, एरे के एलिमेंट का एड्रेस बताएगा, पॉइंटर क्या बताएगा, एरे के एलिमेंट को बताएगा, है ना। डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए, जो हमने सिंपल पी लिखा है, आपको मैं फिर से सारी चीज अच्छे से बता देता हूं, ध्यान से समझिए कि ये जो पी लिखा है पी में क्या रहेगा, पी में रहेगा एड्रेस, किसका एड्रेस, जो एरे के एलिमेंट्स होंगे उनका एड्रेस रहेगा, ठीक है जी। फिर हमने जो ये इससे पहले पॉइंटर पी लिखा है, ये पॉइंटर पी, पॉइंटर पी का मतलब क्या है कि जो एरे का एलिमेंट है जिसको कि पॉइंट किया जा रहा है उसकी क्या वैल्यू है, उस एरे के एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा है। और आई प्लस वन, आई प्लस वन तो हमने काउंटिंग के लिए लिखा है जो कि काउंटिंग करेगा। अब उससे अगली लाइन में हमने क्या लिखा, पी प्लस प्लस। अब ये ध्यान से समझने वाली बात है, फिर से पी क्या था, पी एक पॉइंटर था, पी प्लस प्लस हमने लिखा तो इससे क्या प्रभाव होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा कि जो पॉइंटर है जो कि एरे के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, अब पी प्लस प्लस हो जाने पर एरे के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने करवाने के लिए हमने यहाँ पर पी प्लस प्लस का यूज किया है। तो इस तरीके से हम लोग जो एक पॉइंटर की हेल्प से एरे के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको प्रिंट करवा सकते हैं और रिजल्ट को अपने देख सकते हैं। अब देखिए एरे और पॉइंटर को यूज एक साथ में यूज करने का जो दूसरा तरीका है या जो दूसरा पार्ट है वो क्या है कि एरे ऑफ पॉइंटर, यानी हम एक ऐसा एरे का यूज करेंगे जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, पॉइंटर होंगे।
देखिए क्या बताया जा रहा है हमको कि पॉइंटर का एक मुख्य यूज डाटा टेबल हैंडलिंग होता है। पॉइंटर के हेल्प से स्ट्रिंग एरे को कुशलता पूर्वक मैनेज किया जा सकता है। एरे ऑफ पॉइंटर मेमोरी की बचत में हेल्पफुल होता है। जो एरे ऑफ पॉइंटर है वो क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी की बचत करता है। और एरे ऑफ पॉइंटर एक ऐसा एरे होता है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, पॉइंटर, और प्रत्येक पॉइंटर अपनी जरूरत के अनुसार मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब ये तो इसकी क्या हो गई परिभाषा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि परिभाषाएं समझ में नहीं आती है, तो आपको इसका न्यूमेरिकल दिखा के न्यूमेरिकल से आपको मैं समझाता हूँ, 100% आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। जो ये एरे ऑफ पॉइंटर था उसी को यहाँ पर और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के रूप में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए समझिए, मान लीजिए कि हमको 3 शहरों के नाम मेमोरी में स्टोर करने हैं, तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, हम 2D एरे का यूज करते हैं। 2D एरे का मतलब भाई एक शहर का नाम अपने मान के चलते हैं कि 20 अक्षरों का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि एक शहर का नाम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 20 अक्षरों का होगा। तो हम को 3 शहरों के नाम स्टोर करवाने हैं, इसलिए हमने क्या किया कि 2-डाइमेंशनल एरे ले लिया 3x20 का। शहर कितने हैं, 3, इसलिए क्या हमने लिया साइज 3। एक शहर का नाम कितने अक्षरों का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 20, इसलिए हमने इसका साइज कितना लिया, 20। अब इसको अपने डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेयर करने का तरीका यहाँ नीचे दिखा रखा है कि हम कैसे लिखेंगे इसको, कैरेक्टर, और अपने एरे का नाम क्या ले लिया, सिटी, और एरे के रो साइज क्या है, 3, और कॉलम साइज क्या है, 20। अब इससे क्या होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी में टोटल 60 यानी 20 या 60 टोटल 60 मेमोरी लोकेशन घेर ली जाएगी, जैसे कि इसमें अपने को दिखाया हुआ है। तो ये जो अपन ने लाइन लिखी, इस लाइन का क्या प्रभाव होगा, इस लाइन की वजह से कंप्यूटर की मेमोरी में 60 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली जाएगी, घेर ली जाएगी, ठीक है। अब हमने इसके अंदर सिटी का नाम स्टोर करवाया, जैसे एक कोई सिटी है उसका नाम है रायसिंह नगर, तो RAISING फिर एक खाली स्पेस और फिर NAGAR, इस तरीके से अपन ने एक शहर का नाम नोट स्टोर करवाया। फिर हमने एक दूसरे शहर का नाम स्टोर करवाया जयपुर, फिर एक तीसरे शहर का नाम स्टोर करवाया कोटा। तो इस तरीके से अपने 3 अलग-अलग शहरों के नाम स्टोर करवाए। अब देखिए ध्यान से, मेमोरी ऑक्यूपाई कितनी करी थी, यानी मेमोरी को घेरा कितना था, 60 मेमोरी लोकेशन हमने घेर ली थी। अब उसमें से यूज कितना कर रहे हैं, ये चीज ध्यान से देखने वाली है कि हम यूज कितना कर रहे हैं। हमने देखो क्या किया कि ये स्टोर करवाया रायसिंह नगर, तो 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कैरेक्टर्स, ये 6 कैरेक्टर्स, ये है ना, 14 + 6 कितने हो गए, 20, और 4 कैरेक्टर्स ये कोटा है ना, तो 4 कैरेक्टर्स कोटा के लिए तो कितने हो गए, 24। यानी कि हमने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कितनी करी, 60, 60 मेमोरी लोकेशन हमने रिजर्व कर ली, लेकिन उसमें से यूज कितने को किया, यूज किया सिर्फ 24 को। यूज कितना कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सिर्फ 24 को। तो बाकी जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो सारी क्या हो रही हैं, जो 36 मेमोरी लोकेशंस हैं वो वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि हम खुद भी यूज नहीं कर रहे और हमारे द्वारा ये रिजर्व कर ली गई है, इसलिए कोई दूसरा डाटा या दूसरा कोई वेरिएबल भी इनको यूज नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पर मेमोरी स्पेस का मिसयूज हो रहा है, वेस्टेज हो रही है। अब अपने इसके लिए दूसरी अप्रोच देखते हैं, इसका अल्टरनेटिव यानी इसका इस काम को पूरा करने के लिए दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। तो दूसरा रास्ता अपना ये है,
और जो अपन ने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये अपन ने क्या किया, कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर लिया, उसका नाम क्या रखा, सिटी, और इसको हमने एरे बना दिया और इसके अंदर साइज क्या दे दिया, 3। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, क्या पर्पज है, ये सारा अपने समझते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, एरे ऑफ पॉइंटर। यानी हमने एक ऐसा एरे बनाया जिसका हर एक एलिमेंट क्या है, पॉइंटर है। एक ऐसा एरे जिसका हर एक एलिमेंट क्या है, पॉइंटर है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जैसे मान लीजिए पहला पहले शहर का नाम है रायसिंह नगर, ये हमने मेमोरी में स्टोर करवा दिया। दूसरे शहर का नाम है जयपुर, ये हमने मेमोरी में स्टोर करवा दिया। तीसरे शहर का नाम है कोटा, ये हमने मेमोरी में स्टोर करवा दिया। अब इन तीनों शहरों के जो नाम है उनका टोटल यूजेज कितना है, यानी कितने अक्षरों के अंदर वो नाम आ गए, 24 अक्षरों में आ गए। तो यहां पर ये 24 मेमोरी लोकेशन को ही ऑक्यूपाई किया गया है, बाकी मेमोरी लोकेशंस खाली पड़ी हैं। इन मेमोरी लोकेशन को कोई भी दूसरा वेरिएबल या कोई भी दूसरा एरे यूज में ले सकता है। तो ये मेमोरी जो अपनी वेस्टेज जा रही थी, जो हमारी ये टू डायमेंशनल एरे लेने पे जो मेमोरी वेस्टेज हो रही थी, वो यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो एरे ऑफ पॉइंटर है मेमोरी की बचत करता है। यानी जो पॉइंटर है वो क्या करता है, जितनी मात्रा में उसको मेमोरी की जरूरत है उतनी ही मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जबकि एरे क्या करता है कि जो भी हमने साइज दे दिया उस साइज की वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, यूज चाहे हम उससे कम कर रहे हैं चाहे उसके बराबर कर रहे हैं। लेकिन जो पॉइंटर है तो पॉइंटर का साइज देने की जरूरत नहीं है, इसको जितनी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा थोड़ी मेमोरी चाहिए तो वो थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि कोटा सिर्फ 4 अक्षरों का है शब्द, तो इसने सिर्फ 4 मेमोरी लोकेशन ही ऑक्यूपाई करी। जयपुर 6 अक्षरों का है तो सिर्फ 6 मेमोरी लोकेशन ही ऑक्यूपाई करी। ये किसकी वजह से है, पॉइंटर की वजह से। अब रायसिंह नगर जो ये कोई शहर का नाम है, इसमें 13 अक्षरों की जरूरत थी, तो इसने क्या किया कि 13 कैरेक्टर्स को ऑक्यूपाई किया, 13 मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई किया है। तो इस तरीके से जो एरे ऑफ पॉइंटर है वो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है, मेमोरी की बचत करता है और मेमोरी वेस्टेज को रोकता है। तो हमने देखा अभी एरे और पॉइंटर को अपने अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, तो सेम इसी तरीके से पॉइंटर और फंक्शन को भी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या बताया गया है कि हम पॉइंटर का यूज फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। अब पॉइंटर और फंक्शन दोनों ही क्या है, सी लैंग्वेज के मेन फीचर्स हैं। अब इनका कैसे यूज कर सकते हैं, पहला तरीका क्या बताया गया है कि पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, यानी पॉइंटर को फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या बताया है, पॉइंटर टू ए फंक्शन, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा, एक ऐसा पॉइंटर जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर और फंक्शन दोनों को यूज में ले सकते हैं, और अपने इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि पिछले चैप्टर्स में अपन ने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट्स को दो तरीके से पास किया जा सकता है, यानी जब फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल दो तरीके से होती है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस जिसको बोलते हैं। तो जो कॉल बाय एड्रेस है या कॉल बाय जो रेफरेंस है, वहां पर एड्रेस को स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। वहां पर मैंने आपको वो टॉपिक यानी एड्रेस सॉरी कॉल बाय जो एड्रेस था उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि वो पॉइंटर को समझना जरूरी था। अब पॉइंटर के बारे में आप जान चुके हो तो अब हम यहाँ पर सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि पॉइंटर को फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है, या कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय एड्रेस का यूज
कैसे किया जा सकता है। तो यही हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, देखो एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन डिक्लेरेशन, और इस फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप मी नाम का ये फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या करता है, देखो आर्ग्यूमेंट में इंटीजर टाइप का पॉइंटर है ना, इंटीजर टाइप के दो पॉइंटर ये लेता है, यानी इंट के बाद में अपन ने स्टार लिखा हुआ है, तो ये किसकी पहचान हो गई कि इंटीजर टाइप के पॉइंटर की पहचान हो गई कि साहब ये स्वैप में जो फंक्शन है आर्ग्यूमेंट में दो इंटीजर टाइप के फंक्शन को यूज करेगा। अब इसके नाम से पहले क्या लिखा हुआ है, void, तो void का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने ये फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब आगे चलते हैं मेन फंक्शन में, दो वेरिएबल लिए अपन ने ए और बी, प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट करवाया इनपुट टू वैल्यूज, स्कैन एफ में ए और बी को रीड किया, फिर प्रिंट एफ में वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करवा दिया, फिर अगले प्रिंट एफ के अंदर वैल्यू ऑफ बी को प्रिंट करवा दिया। अब यहां पर अपन ने क्या किया, देखो ध्यान से, ये लाइन बहुत ही ध्यान से देखने और समझने वाली है कि स्वैप मी यानी हमने फंक्शन कॉल की। अब जो ये फंक्शन कॉल हमने की है, इसमें देखो ध्यान से कि इस फंक्शन कॉल के अंदर अपन ने क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए को भेजा है, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी को भेजा है, यानी कि हमने सिंपल वेरिएबल के नाम लिखने की बजाय एड्रेस ऑपरेटर के साथ में इनको लिखा है, और यानी कि हम वेरिएबल के एड्रेस को भेज रहे हैं। अब एड्रेस को भेज तो रहे हैं, अब एड्रेस को रिसीव कौन कर सकता है, हमको पता है कि पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो साहब ये जो ए है, एड्रेस ऑफ ए जो यहां से जाएगा वो एड्रेस ऑफ ए कहां चला जाएगा, इस पॉइंटर पी में। जो एड्रेस ऑफ बी है, एड्रेस ऑफ बी कहां चला जाएगा, इस पॉइंटर क्यू में। तो इस तरीके से ए और बी के जो एड्रेस है पी और क्यू में स्टोर हो जाएंगे। अब इसके बाद में हमने क्या किया, यहां देखो इस फंक्शन की डेफिनेशन में कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉल होते ही तुरंत क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। तो फंक्शन डेफिनेशन में अपन ने क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिया अपन ने इंट सी, और पॉइंटर पी की वैल्यू कहां जा रही है, सी के अंदर। इसी तरीके से जो अपना पॉइंटर क्यू है, पॉइंटर क्यू की वैल्यू कहां जा रही है, पॉइंटर पी में। और उससे नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा कि जो सी है, सी की वैल्यू कहां जा रही है, पॉइंटर क्यू में। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया, आपस में स्वैप कर दिया गया। दो वैल्यूज को आपस में बदलने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया था, हमने उसकी एल्गोरिदम भी देखी थी, बनाई थी, तो वही सेम यहां पर हम पॉइंटर की सहायता से कर रहे हैं। तो यहां पर ए और बी का जो सॉरी पॉइंटर पी और क्यू के अंदर जो वैल्यूज थी, यानी ए और बी की जो वैल्यूज थी, उनको हमने आपस में स्वैप करवा दिया, आपस में एक्सचेंज करवा दिया, एक की जगह दूसरे को रखवा दिया। अब यहां पर देखो ध्यान से समझने वाली बात जो है कि यहां हमने कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, लेकिन फिर भी क्या होगा कि जो पॉइंटर पी में और जो पॉइंटर क्यू में जो भी बदलाव हुए हैं, वो बदलाव ऑटोमेटिकली कहां रिफ्लेक्ट करेंगे, इस जगह पर रिफ्लेक्ट करेंगे। यही बात सीखने और समझने वाली है कि ये पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट में, या अपने यूं कह सकते हैं कि कॉल बाई एड्रेस के दौरान जो वैल्यू भेजी जाती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और हमने फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को आपस में बदल दिया, तो ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पर ए और बी में रिफ्लेक्ट करेंगी, बदली हुई वैल्यू यहाँ पर पहुंच जाएगी बिना किसी रिटर्न स्टेटमेंट के। यही खास बात है कि जब अपने को मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाना होता है,
तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हम पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट, या आप नहीं कह सकते हैं भाई कॉल बाय एड्रेस का यूज करते हैं जब मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाना हो। तो ये जो p के अंदर जो भी वैल्यू आई वो कहां पहुंच जाएगी, a में, और q के अंदर जो भी वैल्यू आई वो कहां पहुंच जाएगी, इस b में। और हमने यहां पर क्या किया, प्रिंट एफ की सहायता से a और b की वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। अब ये वैल्यूज कैसी प्रिंट होंगी, स्वैप्ड, यानी कि आपस में बदली हुई होंगी। तो इस तरीके से अपने पॉइंटर का यूज कर सकते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में। और हमने यहां पर दूसरी बात क्या सीखी कि हम कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी और सीखी। अब पॉइंटर ऑफ फंक्शन का जो दूसरा रूप है, ये पॉइंटर ऑफ फंक्शन को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका उसका क्या है कि पॉइंटर टू ए फंक्शन, यानी हम एक ऐसा पॉइंटर यूज में लेंगे जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब देखो, जैसे वेरिएबल का अपने नाम रखते हैं उसी तरीके से फंक्शन का भी नाम रखते हैं। तो साहब, वेरिएबल जैसे मेमोरी में स्थान घेरता है, उसी तरीके से जो फंक्शन है वो भी मेमोरी में स्थान घेरता है। तो फंक्शन का भी एक निश्चित अपने नाम रखते हैं। तो यही सारी चीज इसके अंदर बताई हुई है, फंक्शन क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी में स्थान घेरता है। अब मेमोरी में स्थान घेरेगा तो साहब क्या होगा, इसका भी मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब मेमोरी में एड्रेस होगा तो एड्रेस को स्टोर करने की पावर किसमें है, एड्रेस को स्टोर करने की पावर पॉइंटर में है। तो जो फंक्शन का जो एड्रेस है उसको पॉइंटर में स्टोर किया जा सकता है, फंक्शन एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर किया जा सकता है। अब देखो, फंक्शन कॉल के लिए इस पॉइंटर का यूज करेंगे, ऐसा पॉइंटर जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है, पॉइंटर टू ए फंक्शन कहलाता है। ये इसकी क्या हो गई, मेन परिभाषा हो गई। फिर से देखिए कि ऐसा पॉइंटर जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है, पॉइंटर टू फंक्शन कहलाता है। ये जो परिभाषा है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ऐसा पॉइंटर जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा, पॉइंटर टू ए फंक्शन कहलाएगा। अब उसको अपने डिक्लेयर कैसे करते हैं या उसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि पहले अपने डाटा टाइप लिखेंगे, फिर अपने पॉइंटर पी उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। ये ध्यान रखना है, इसको कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर। और फिर उसके आगे भी एक खाली ब्रैकेट बनाना है, ये भी जरूरी है। ये जो खाली ब्रैकेट ये बनाया गया है, ये खाली ब्रैकेट बनाना जरूरी है। यही क्या है, इसकी पहचान है कि साहब ये ऐसा पॉइंटर है जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा, फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा। ये जो लाइन हमने लिखी, ये लाइन क्या करती है, यह डिक्लेरेशन कंपाइलर को बताता है कि पॉइंटर फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा, ये पॉइंटर फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा। पॉइंटर को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में फंक्शन का नाम लिख देते हैं। अब एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये बता रखा है कि ptr myfun, myfun नाम का अपना कोई फंक्शन है, और उस फंक्शन को हमने कैसे लिख दिया, ptr equals to myfun। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो अपना फंक्शन है जिसका नाम की myfun फंक्शन है, इस फंक्शन का जो भी मेमोरी एड्रेस है वो एड्रेस कहाँ चला जाएगा, ptr में चला जाएगा। इस ptr के अंदर जाके उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब जो फंक्शन कॉल करते हैं, ये फंक्शन का डिक्लेयर कैसे करना है वो तो हमने ऐसे कर दिया, ये अपन ने देख लिया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने के लिए जैसे अपन ने लिखा कि मान लीजिए अपना फंक्शन है और उसका नाम है एडिशन। ये एडिशन फंक्शन दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट का यूज करता है और इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। अब उससे अगली लाइन में हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से, हमने एक पॉइंटर टू वे फंक्शन बनाया, यानी एक ऐसा पॉइंटर बनाया जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा, और उसका नाम क्या है, fp, यानी फंक्शन पॉइंटर।
उससे अगले लाइन में हमने क्या किया कि fp इक्वल्स टू एडिशन, यानी जो पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज कर दिया। जो एडिशन था हमारे फंक्शन का नाम था, हमने अपने फंक्शन के एड्रेस को किसमें स्टोर करवा दिया, fp में स्टोर करवा दिया। अब उससे अगले लाइन में हमने क्या किया, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, फंक्शन कॉल कहलाएगी। किसके सहायता से, उस पॉइंटर फंक्शन की सहायता से। ये फंक्शन कॉल है, हमने फंक्शन का नाम लिखने की बजाय, यानी यहाँ पे एडिशन लिखने की बजाय क्या लिखा, पॉइंटर fp, और ब्रैकेट में उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स, जैसे मान लो कि आर्गुमेंट ये 10 और 20 हैं, तो ये आर्गुमेंट पास कर दिए। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन का नाम नहीं लिखा, फंक्शन के नाम के बजाय फंक्शन पॉइंटर का यूज किया जो कि उसको पॉइंट कर रहा है, और उसके आर्गुमेंट्स जो भी थे उन आर्गुमेंट्स को यहाँ पर अपन ने पास कर दिया। तो इस तरीके से अपने पॉइंटर टू ए फंक्शन को यूज करते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंटर जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया। हमने ये सीखा कि पॉइंटर और एरे को एक साथ में यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने के ये दो तरीके हैं, पॉइंटर टू एन एरे, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो कि एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, और दूसरा अपन ने क्या देखा था कि एरे ऑफ पॉइंटर्स, यानी कि एक ऐसा एरे जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, पॉइंटर्स हैं, जो कि मेमोरी की बचत करने में, मेमोरी की वेस्टेज को रोकने में सहायक होता है। फिर हमने क्या सीखा कि पॉइंटर एंड फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, पॉइंटर और फंक्शन को भी एक साथ में यूज कर सकते हैं। उसके क्या क्या तरीके थे कि पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, कि पॉइंटर को हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस के दौरान जो एड्रेस भेजा जाता है उस एड्रेस को रिसीव करने के लिए, उस एड्रेस को ग्रहण करने के लिए पॉइंटर का यूज करते हैं। और पॉइंटर टू ए फंक्शन हमने सीखा कि ऐसा पॉइंटर जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर की। आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर ही आपके डाउट को सोल्व कर दूंगा। साथियों, जो अगला वीडियो हमारा रहेगा, सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका यूज क्या है, हम स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ना, यूनियन के बारे में ये सारी डिटेल, और स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में क्या अंतर होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।